अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अंजुम शिराज़ी साहब, जो कि कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं FRCR UK और उनका 30 साल का एक्सपीरियंस है UK, पाकिस्तान और मलेशिया का। और डॉक्टर साहब, एक और टॉपिक है, एक और जो है वो मसला ज़ेरे बहस रहता है, ख़वातीन से रिलेटेड जो है फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि बच्चेदानी में जो रसौलियाँ होती हैं ख़वातीन के अंदर, उनका इलाज बगैर सर्जरी के मुमकिन है? जी नादिया, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये बच्चेदानी की रसौलियाँ बहुत कॉमन कंडीशन है ख़वातीन में, यंग फीमेल्स में, इवन बिफोर मैरिज उनके फाइब्रॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से उनकी शादी का मसला होता है, शादी के बाद मिसकैरेज का मसला होता है, प्रेगनेंसी ना ठहरने की एक कॉमन काज है फाइब्रॉइड्स। तो जनरल ट्रेंड तो ये है कि जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है वो कहेगा इसकी सर्जरी करवा लें, मायोमेक्टमी करवा लें, लेकिन मायोमेक्टमी उनकी हो सकती है जो नज़र आते हैं फाइब्रॉइड सरफेस पर, जो डीप फाइब्रॉइड्स है या जो एंडो यूट्रस की कैविटी के अंदर जाते हैं उनको निकालना मुश्किल होता है। तो सम टाइम ये हो जाता है कि कॉम्प्लिकेशन के तौर पर हिस्टरेक्टमी भी करनी पड़ती है, और आप देखेंगे जिनको भी ऑफर करते हैं मायोमेक्टमी, उसमें कंसेंट में शामिल होता है कि इन केस हिस्टरेक्टमी की ज़रूरत हो तो आप उसकी कंसेंट देंगे। दूसरा जाहिर है उसमें जनरल एनेस्थीसिया इन्वॉल्व होता है, मेजर अंडरटेकिंग, मेजर सर्जरी है। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ने पिछले कोई 25 साल से ये चीज़ इतनी आसान कर दी है कि हम एंजियोग्राफी करके जो आर्टरी सप्लाई करते हैं फाइब्रॉइड्स को, उनको हम इंटरनली ब्लॉक कर सकते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स, जिनको PVA पार्टिकल्स बोलते हैं, ये सैंड की तरह ग्रेट के ज़रात होते हैं डिफरेंट साइजेस के। तो जैसे दिल की एंजियोग्राफी है या जिगर की एंजियोग्राफी, इसी तरह हम यूटरस की एंजियोग्राफी करते हैं, और छोटा सा वही पिन होल, छोटा एनेस्थीसिया दे के, थोड़ी सी सेडेशन दे के, एनाल्जेसिया दे के, तो हम दोनों तरफ की यूटराइन आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं। उसका ये एडवांटेज है कि अल्लाह ने ऐसी नेचर बनाई है यूटरस के, यूटरस को कुछ नहीं होता, यूटरस बच जाते हैं, लेकिन फाइब्रॉइड्स ओनली स्लोली श्रिंक होके वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो छोटे फाइब्रॉइड हैं वो जल्दी श्रिंक हो जाते हैं, बड़े फाइब्रॉइड में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो फीमेल्स हैं जो प्रेगनेंट होना चाहती है, उनके प्रेगनेंसी के चांसेस बाद में भी रहते हैं, यूटरस उनका बचा रहता है लाइफ टाइम, ये एडवांटेज है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ जिसको भी फाइब्रॉइड्स हैं छोटे बड़े, सबको फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बोलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है कि लोगों के अंदर, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे भी रसौलियों की बात की ना, तो लोगों में ये बहुत कम अवेयरनेस है, अवेयरनेस नहीं है, और लोग बताते भी नहीं, इवन डॉक्टर्स नहीं बताते कि ऑप्शन अवेलेबल है, और अनफॉर्चुनेटली छोटी जगह पे नहीं अवेलेबल, जितने बड़े सिटीज है सेंटर वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल, हाँ जी, उनका अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस नहीं है। इसका बहुत एडवांटेज, वन इन ए लाइफ टाइम ये प्रोसीजर होता है, आपने एक ही तरह एम्बोलाइजेशन करनी है, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा, हाँ जी बिल्कुल, देखें 2-3 लाख में एक प्रोसीजर हो जाता है वंस इन ए लाइफ टाइम, एम्बोलाइजेशन दोबारा कभी नहीं होती किसी फाइब्रॉइड्स की, एक ही दफ़ा आपने करनी है, सारे फाइब्रॉइड छोटे बड़े जो नज़र आते हैं जो नहीं नज़र आते सब उसमें कवर हो जाते, ब्लैंकेट कवर होता है, यूटरस सर्वाइव, यूटरस को कुछ नहीं होता। अब मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि हमारे जो लोग हैं, जैसे हम थोड़े एरियाज बैकवर्ड एरियाज की बात, दे आर वेरी रिलक्टेंट टू ओपन विद द डॉक्टर, जी जी, उनको ये बात समझ नहीं चाहिए, अभी क्योंकि टॉपिक खुल गया खवातीन से रिलेटेड, तो आई वुड लाइक टू डिस्कस दीज थिंग्स, खवातीन को जैसे डॉक्टर से तो कोई पर्दा नहीं होता ना, जी जी, कोई प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर तो आपका वेल विशर है ना, वो आपके वेल बीइंग चाहता है, वो चाहता है कि आप डॉक्टर, जी 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 बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए और अपना मसला जो है वो शर्मिंदगी में नहीं बढ़ाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए। एक तो ये सोशल टैबू है ना कि फीमेल नहीं बताती, दूसरा है कि जब डॉक्टर्स के पास जाती है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, और गायनेकोलॉजिस्ट ने उन्हें यही बताना है कि जिसका ऑपरेशन करवा ले, ये अब वो आ जाते हैं प्रैक्टिस की बात कि आप कितनी एथिकल प्रैक्टिस करती है, नहीं करते, ऐसे डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट तो उनका मैसेज है मेरा कि उनको ये लोगों को बताना चाहिए कि ये ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ भी गायनी में लोग जाते हैं उनको बताना चाहिए कि फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के ऑप्शन है, आपने वो ऑप्शन अवेल करनी है तो करें, प्रोज एंड कॉन्स वो सारे हम उनको एक्सप्लेन कर देंगे, वहाँ स्पेशलिस्ट विद हमको सारा कुछ हम बता देंगे, क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज, सर्टेन सिचुएशन सर्टेन एज में हम कहते हैं हिस्टरेक्टमी करवा लें, अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है, यू आर 45-50 तो बेशक हिस्टरेक्टमी करवा लें, इफ़ यू आर यंग यू वांट टू सेव योर यूट्रस देन यू शुड गो फॉर यूट्राइन एम्बोलाइजेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गायनी जो है, गायनी कंसल्टेंट या गायनी का जो हमारी कम्युनिटी है, उनको ये जो ऑप्शन है लोगों को, पेशेंट्स को बतानी चाहिए कि अवेलेबल है, बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, इन शहरों में तो अवेलेबल है, पेशावर, क्वेटा में भी है, तो बड़े शहरों में जितने पेशेंट उनको तो बेनिफिट मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेलकम जी, आपने इतने अच्छे से डिटेल में बात की, हमने, मुझे उम्मीद है कि लोगों को इससे इंशाल्लाह।